वो भी नहीं, इसी के साथ बनेगा। और इसकी जो हाइट हम एक डिसाइड करेंगे वो मान के चलिए 1 फीट, ऑफसेट लीजिए 1 फीट का, ठीक है। इसको आप ऐसे यहां से पकड़िए, इस बेड लेवल को 1 फीट ये आ रहा है, 1 फीट ये आ रहा है, पी आर डबल एंटर करिए, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, ये भी गया, ये भी ऐसे, ठीक है। अब इस लाइन को सेलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। ex 2 टाइम्स बार एंटर कर दीजिए इस साइड में और इस साइड में, ठीक है। या डायरेक्ट आप लाइन ले सकते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट को क्लोज कर दीजिए, ठीक है। ये जो लाइन बची हुई है इसको ट्रिम कर दीजिए, ये इसको सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए। ये इतना हमारा होगा। अब ऑफसेट लीजिए 0.6 इंच, ठीक, अंदर के साइड ऐसे आप इसको चला दीजिए, ये इंटरलॉक किया जाता है इसमें, और इसको भी आप ऐसे ले लीजिए, ठीक। एल एंटर करिए, यहां से 1 इंच आगे जाइए, फिर नीचे आइए 0.6 इंच, और फिर यहां पे ऐसे क्लोज कर दीजिए। सेम प्रोसीजर, यहां से जाइए 1 इंच, ऊपर जाइए 0.6 इंच, और इस पॉइंट पे आके क्लोज कर दीजिए। अब आपको ट्रिम चलाना है, टी आर 2 टाइम्स ऑफ एंटर सेलेक्ट करिए ऐसे, ऊपर भी ट्रिम चलाना है, टी आर 2 टाइम सेंटर, ठीक है। और ये ऊपर जरा सा बढ़ेगा, यहां से आप 1 इंच ऊपर जाएंगे, पॉइंट 0.6 इंच, और ये यहाँ पे ऐसे क्लोज कर दीजिए, ठीक है। या तो आप डायरेक्ट ऐसे इसको लेकर के ऐसे भी कर सकते हैं, 1 इंच जाइए और ऐसे कर दीजिए। तो आप ट्रिम चलाएंगे टी आर 2 टाइम सेंटर। मैं आपको हर प्रोसेस से समझा दे रहा हूं कि किस तरीके से ये हो रहा है। ये बीच की लाइन जो है ये कट जाएंगी, क्योंकि वो बैक साइड में रहेगा, अगर फ्रंट साइड में दिखाना तो ये ऐसे ही रहेगा, लेकिन हम तो कहेंगे आप इसको ऐसे कट कर दीजिए, ठीक। ये चीज ऐसे हो गया। अब यहां पे भी आपको एक इसके मिड पॉइंट पे देना है लॉकिंग। मिड पॉइंट ये रहा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिलाइए 0.3 इंच अप साइड एंड डाउन साइड। सेम यहां पे भी करना होगा, इसी लाइन को पकड़ करके, ये जो लाइन है आपका, ठीक है, ये जो इस वाले पॉइंट से जो लाइन है, ऐसे आप इस पॉइंट से आइए, इस पॉइंट को क्लोज करिए। सेम आपको यहां से भी करना है, इस पॉइंट से लाइन एंटर करिए, इस पॉइंट से लगाए इस पॉइंट तक, उसके बाद ऑफसेट दीजिए 0.6 इंच का, एंटर करिए और इसके ऊपर के साइड में चले जाइए। अब क्या करना है, टी आर डबल एंटर, देखिए क्या क्या ट्रिम करना है। हमें ये ट्रिम करना है, हमें ये भी ट्रिम करना है, ठीक, ऐसे ट्रिम करना है, ये भी ट्रिम करना है और ये भी ट्रिम करना है, ये भी ट्रिम करना है, ठीक। अब इस बीच वाले लाइन को डिलीट कर देना है और टी आर डबल एंटर करना है, और फिर से इस लाइन को क्या करना है, ट्रिम कर देना है। क्लियर है, इस तरीके से आपको बनाना है। अब रहा सवाल कवर वाले का, इसको कवर तो हमने प्रोवाइड किया ही है, अब इसको ऊपर जो बनता है, ठीक है, जो इसके अप साइड में बनेगा, ये आपका हो गया। अब अप साइड के लिए जो आप बनाएंगे वो सिंपली है, यहां से
ठीक है, इस लाइन से आप 2 इंच इधर चढ़ेंगे, ओ एंटर करिए, 2 इंच इधर चलना हमें इस लाइन से ऐसे और इस लाइन से ऐसे, ठीक है, इधर 2 इंच अंदर आएंगे, इधर 2 इंच अंदर आएंगे, ठीक। ई एक्स एक्सटेंड कर दीजिए, 2 बार एंटर, ये रहा और ये रहा। टी आर डबल एंटर करिए, इस लाइन को हटा दीजिए, ये लाइन भी हटेगी, ये लाइन भी हटेगी, ये भी हटेगा, ये भी हटेगा, ठीक है, ये और ये, ठीक। सेलेक्ट करिए इसको, डिलीट करिए, ठीक। फिर एल एंटर करिए, इस पॉइंट को, ठीक है, इस पॉइंट से ऐसे मिला दीजिए, ठीक है। टी आर एंटर, ये इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ये पूरा आपका कंक्रीट ब्लॉक होगा। ये लाइन को आपको हटा देना है। अब ऊपर के साइड में आइए, और भी प्रोसेस है, इसके मिड स्पैन पे आइए, ऐसे दीजिए, अब ऑफसेट दे दीजिए 1 इंच का, इधर ऊपर कर दीजिए और एक नीचे कर दीजिए। अगर ये आपको और अच्छे से दिखाना है तो 1 इंच न लेकर के इसका मिड पॉइंट लीजिए, ठीक है। आप ऑफसेट के लिए 3 इंच का भी यूज कर सकते हैं, 3 इंच अपसाइड, 3 इंच डाउन साइड, सेलेक्ट करिए, डिलीट कर दीजिए, टी आर 2 बार एंटर करिए और बीच के लाइन को ऐसे कर दीजिए, ठीक। अब ऑफसेट लीजिए, कितने का, 2 इंच का लीजिए, ऑफसेट लेंगे, ऊपर साइड चले जाइए और इस साइड आ जाइए, ठीक है। टी आर डबल एंटर करिए, ये जो अब अंदर का है उसको आप हटाइए, इसके भी अंदर का आप हटाइए, ठीक, इसका मिड पॉइंट मिलेगा, ठीक है। 1 इंच ऊपर चल दीजिए, ठीक है, और यहां से भी 1 इंच नीचे के साइड चल दीजिए, अब आप यहां से इस पॉइंट पे मिला दीजिए, ठीक है, और इस पॉइंट से इसको इस पॉइंट से मिला दीजिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला दीजिए, ठीक है, इस लाइन को डिलीट कर दीजिए, इस लाइन को डिलीट कर दीजिए, टी आर डबल एंटर, ऐसे भी ब्रेक लाइन को दिखाया जा सकता है। अब ज्यादातर लोग इसी तरह के ब्रेक लाइन का यूज करते हैं, ये दिखाते कि ये हुक में आपस में बंधा हुआ है। वैसे तो ब्रेक लाइन तो जनरली जो दिखाया जाता था वो ऐसे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे 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 और ऐसे बनता था, लेकिन अब इसको यूज कम करते हैं। अब बात करते हैं अब इसके अंदर स्टीरअप्स की, ठीक है, तो स्टीरअप्स जो है वो 7 इंच का लगता है, ठीक। तो आपको एक काम करना है, एल एंटर करना है, यहाँ पे कहीं आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब आपको ऑफसेट लेना है, कितने का, 0.3 इंच का ले लीजिए, ये हो गया आपका ऑफसेट, ठीक है। अब देखिए करना क्या है, ओ एंटर करना है, और कितने पे, 7 इंच करते जाइए ऑफसेट,
वन, ठीक है, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन, ठीक है ना। ये देखिए ऐसे ये चलेगा। अब ओ एंटर करना है, 0.3 का ये भी लेना है। आप ऐसे चलाते जाइए इसको भी। डाउन साइड चलाइएगा तभी वो मेंटेन भी होगा। बचे एक्सिट लाइन को आप ऐसे ट्रिम कर दीजिए। अब जो लाइन टच नहीं हुआ उसको EX डबल एंटर करिए। मैं उसी तरह से बना रहा हूँ फर्स्ट स्टेज में, जो लड़के लोग ट्राई करते हैं जिनको बहुत दिक्कत हो जाती है। आप और भी इसको कई तरीकों से बना सकते हैं। यहाँ पे आपको इसका डिटेल्स दिखाना होगा, कौन चीज क्या है, कितने बार्स का है, डिटेल्स के लिए, ठीक है। या आप टी एंटर कर दीजिए, कहीं चूज करिए, ऐसे ड्रॉप डाउन करिए, बताया था मैंने आपको। अब जैसे लिखना है एट NOS 25 mm, सपोज दैट मान लिया 25 mm, ठीक है, डाया, ठीक है ना। अच्छा अब डाया लगाना है, डाया के लिए इंसर्ट सिंबल में जाइए। देखिए यहाँ पे है, नहीं दिखा रहा है, तो डाया के लिए आप क्या करेंगे, अदर पे आइए, देखिए ऐसे भी आप लगा सकते हैं। देखिए अब आपको डाया चाहिए होगा, तो डाया के लिए क्या करिएगा, स्पेस बार क्लिक कर दीजिए, इसमें सिंबल में आइए, सिंपल काम करना। आपको शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूँ, जो भी आपको सिंबल चाहिए रहेगा, जैसे डाया का चाहिए तो यहाँ पे कंट्रोल सी कर दीजिएगा और यहाँ पे आइएगा कंट्रोल डी कर दीजिएगा, बाकी प्रोसेस से आप बाहर चले जाएंगे, ठीक है। और क्या लिखना है, बार्स लिखना है। अगर ये छोटा है तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बार है, यहाँ पे क्लिक करिए और इसको सेलेक्ट करिए। यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट होगी, आप इसको 6 इंच कर दीजिए, ठीक है, काफी ज्यादा बड़ा हो गया, 5 इंच करिए, ठीक है। इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, ठीक है। अब स्टीरअप्स का हो गया, तो जैसे 8 NOS है ऐसे आपने दिखा दिया, इसी तरीके से लिख भी सकते हैं। और इसके ऊपर जो बनता है वो बीम की अब डिजाइन होता है, इसी में बीम जो है कनेक्ट हो जाता है। फिलहाल आप आज आप इतना बनाइए, बाकी मैं बताऊंगा। अब जैसे ये जो चीज है आप एक लीडर का भी यूज कर सकते हैं। देखिए ये लीडर है, यहां से पकड़िए, जो भी आप शो करना चाह रहे हैं। देखिए ये हम शो करना चाह रहे हैं, हमने यहाँ पे शो कर दिया, ठीक है।